भारत में लिव इन रिलेशनशिप को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है और यह रिश्ता सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही नजर आता है। लिव इन रिलेशनशिप पर कुछ फिल्में बनी हैं और मणिरत्नम के शिष्य शाद अली ने एक और प्रयास ओके जानू के रूप में किया है। यह 2015 में प्रदर्शित फिल्म ओ कदल कनमनी का हिंदी रीमेक है। ओके जानू में लेखक मणिरत्नम ने दर्शाने की कोशिश की है कि कोई भी रिश्ता हो उसमें प्यार जरूरी है, शारीरिक आकर्षण भी ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सकता। फिल्म में दो जोड़ियां हैं, आदि और तारा युवा हैं, शादी को मूर्खता समझते हैं। दूसरी जोड़ी गोपी और उनकी पत्नी चारू की है। दोनों वृद्ध हैं, शादी को लगभग 50 बरस होने आए। शादी के इतने वर्ष बाद भी दोनों का निस्वार्थ प्रेम देखते ही बनता है। गोपी के यहाँ आदि और तारा पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं। इन दोनों जोड़ियों के जरिए तुलना की गई है। एक तरफ गोपी और उनकी पत्नी है जिनमें प्यार की लौ वैसी ही टिमटिमा रही है जैसी वर्षों पूर्व थी। दूसरी ओर आदि और तारा हैं जो प्यार और शादी को आउट ऑफ फैशन मानते हैं और करियर से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिल्म के आखिर में दर्शाया गया है कि प्यार कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता। फिल्म की कहानी में ज्यादा उतार चढ़ाव या घुमाव फिराव नहीं है। बहुत छोटी कहानी है, कहानी में आगे क्या होने वाला है यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसके बावजूद फिल्म बांध कर रखती है इसके प्रस्तुति के कारण। निर्देशक शाद अली ने आदि और तारा के रोमांस को ताजगी के साथ प्रस्तुत किया है। इस रोमांस के बूते पर ही वे फिल्म को शानदार तरीके से इंटरवल तक खींच लाए। आदि और तारा के रोमांस के लिए उन्होंने बेहतरीन सीन रचे हैं। इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी लड़खड़ाती है, दोहराव का शिकार हो जाती है। कुछ अनावश्यक दृश्य नजर आते हैं लेकिन बोर नहीं करती। कुछ ऐसे दृश्य आते हैं जो फिल्म को संभाल लेते हैं। फिल्म के संवाद एआर रहमान गुलजार के गीत संगीत की जुगलबंदी, मुंबई के खूबसूरत लोकेशंस, आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री मनोरंजन के ग्राफ को लगातार ऊंचा रखने में मदद करते हैं। निर्देशक के रूप में शायद प्रभावित करते हैं। ऐसी फिल्मों में जहां कहानी का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिलता है, स्क्रीन पर क्या दिखाया जाए के लिए निर्देशक को बहुत मेहनत करना होती है। शाद ने अच्छी तरह से अपना काम किया है। वे फिल्म को थोड़ा छोटा रखते तो उनका काम और भी बेहतर होता। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी अच्छी लगती है। एक बेफिक्र रहने वाले युवा की भूमिका आदित्य ने अच्छे से निभाई है। श्रद्धा कपूर को निर्देशक ने कुछ कठिन दृश्य दिए हैं और इनमें वे अपने अभिनय से प्रभावित करती हैं। बुजुर्ग दंपत्ति के रूप में नसीरुद्दीन शाह और लीला सैमसन अच्छे लगे हैं। ओके जानू की कहानी में नई बात नहीं है, लेकिन आदि तारा का रोमांस और शाद अली का प्रस्तुतिकरण फिल्म में दिलचस्पी बनाए रखता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।